हेलो फ्रेंड, आज मैं नॉर्विच स्टिच करने वाली हूँ और ये मैं मेटी फैब्रिक पे करने वाली हूँ। ये मेरे फैब्रिक में आप डॉट देख सकते हैं, हॉल इस टाइप के, और ये मेटी फैब्रिक है मेरा और मैंने यहाँ पे ये दो बना के रखे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, इसमें मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगी और मेरा ये कलर येलो है और इसमें हमें ऑड नंबर लेने हैं, इवन नहीं लेने हैं हमारे काउंटिंग के हिसाब से। तो मैं यहाँ से निडल हमारी स्टार्ट करूँगी निकाल कर, और हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे हमें 9 पे डॉट करना है, फिर इस साइड हमें जाना है 9 काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और हमारे निडल यू हम डालेंगे क्रॉस, फिर हमें यहाँ से 9 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इस तरह से, और फिर यहाँ हमें क्रॉस डालना है। अब हमारी निडल इस साइड डाली है हमने, तो हमें इसी साइड के यहाँ से हमें निडल हमारी ऊपर निकालनी है यहाँ से, और फिर यू क्रॉस हमें नेक्स्ट डॉट में ही डालना है हमारा, ये वाले नहीं, हमें सेकंड में डालना है तरह से। अब हमारी निडल यहाँ पे हमने डाली है, तो हमारा अब यहाँ से हम निडल को निकालेंगे। हम जिस लाइन में निडल को डालते हैं उसी लाइन में से हमें वापस निडल को ऊपर निकालना है। अब हम यहाँ पे उसके यहाँ पे हमने डाला है, अब हम यहाँ डालेंगे इस डॉट में। अब हम यहाँ से ऊपर निकालेंगे, यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस, अब हमने यहाँ डाला है तो अब हम यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। हमें हमारी पूरा स्क्वायर हमारा कंप्लीट करना है। हमें इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमारा डाल हम जहाँ से सोई हमारी हमारी निडल डालते हैं हम नीचे की ओर, उसी लाइन में से हमें ऊपर की ओर भी निकालना है। ये बहुत ही इजी स्टिच है फ्रेंड, ये और आसानी से बन भी जाता है, सिर्फ इसकी ये टेक्निक हमें याद रखनी है ताकि हमारा ये बीच की जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट बन जाए।
अब हम यहाँ से हमारा फ्रेंड्स देख सकते हैं, अब लास्ट हमारा हॉल है, उसमें हम निकालेंगे यहाँ से इस साइड, फिर यहाँ से ये वाला, फिर यहाँ से इसी तरह फ्रेंड्स हमारे पूरा हॉल पूरी लाइन का कंप्लीट हो जाएगा और हमारी डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो जाएगी। और लास्ट में अब यहाँ इस तरह से तो फ्रेंड्स ये बन गया है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ बनाकर, इसके लिए भी हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तरह से, और ये हमारे 9 काउंटिंग हेज हमारी। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम यहाँ से हमारे नीडल नीचे डालेंगे, तब हम यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से इसे इस तरह से क्रॉस लाएंगे, अब यहाँ से यहाँ आएंगे हमारे निडल, फ्रेंड्स हम यहाँ से यहाँ डालेंगे और यहाँ हम अब यहाँ से इस तरह साइड जाएंगे हमारा धागा। इसे फ्रेंड्स आप टेबल क्लॉथ पे, कुशन कवर पर, बेडशीट पे, कहीं पर भी आप बना सकते हो और ये बहुत ही इजी स्टिच है फ्रेंड्स। अब ये हमारा लास्ट हॉल या बीच का, यहाँ से और यहाँ पे हमारा ये एंड हुआ इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये बन गया है पूरा, आप देख सकते हैं। और इसके बैक साइड पे इस तरह के हमारे स्टिचेस आएंगे, यहाँ बीच में कुछ नहीं होगा, सिर्फ बॉर्डर पर ही स्टिचेस होंगे। और फ्रेंड्स ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।